ये है लाखनपुर गांव। ये हैं पंडित धनीराम, जो कि अपने परिवार के साथ इसी गांव में रहते हैं। पंडित जी अपने चतुर दिमाग की वजह से प्रसिद्ध हैं। पंडित जी काम की वजह से ज़्यादातर समय बाहर ही रहा करते हैं। पंडित जी काफ़ी दिन बाद घर वापस आकर देखते हैं तो उनका बच्चा कमज़ोर होता है। वह अपनी बीबी को बोलते अरे ओ हैं, भाग्यवान, लगता है तुम मुन्ने को सही से दूध नहीं देती हो। देखो मुन्ना कितना कमजोर हो गया है। अजी सही कहा आपने, मैं तो अपने मुन्ने को कटोरे भर के दूध देती हूँ, पता नहीं फिर भी कैसे कमजोर हो रहा है। लेकिन मुन्ने की कमजोर होने की असली वजह यह थी। मुन्ना को कमजोर होता देख पंडित जी की चिंता बढ़ी जा रही थी। भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान, मैंने तुम्हें पहले भी बोला था लेकिन तुम सुनती कहाँ हो। मुन्ना देखो कितना कमजोर हो गया है। लेकिन अब तो मैं अपने मुन्ने को बड़ा कटोरा भर के दूध देती हूँ, पता नहीं फिर भी कैसे कमजोर हो रहा है। ठीक है, आज मैं भी देखूँ तुम किस तरह से इसे दूध देती हो। पंडिताइन रोज की तरह मुन्ने को दूध देके अपने काम में व्यस्त हो गई। रोज की तरह कालूश्यार आता है और मुन्ने का भरा हुआ कटोरा दूध खुद पी जाता है और पंडित जी छुपके यह सब कुछ देख रहे थे। कटोरा भर के दूध पीने के बाद कालू श्यार दबे पांव वहां से चले जाता है। श्यार के जाने के बाद पंडित जी अपनी बीवी को सारी बातें बताते हैं और फिर वह कालू श्यार को सबक सिखाने के लिए एक योजना बनाते हैं। अगले दिन सुबह पंडिताइन रोज की तरह कटोरा भर के दूध रख के चले जाती है। उसके बाद पंडित जी भी बड़ा सा डंडा लेके घर के पीछे छिप जाते हैं और कुछ देर बाद कालू श्यार वहां पे आता है। जैसे ही कालू श्यार अंदर पहुंच के दूध पीने लगता है वैसे ही कालू श्यार की पीठ पर पंडित जी का डंडा बरसने लगता है। कालू श्यार को अधमरा कर पंडित जी उसे छोड़ देते हैं और दूसरे दिन भी पंडित जी कालू श्यार की तलाश में लग जाते हैं। इधर कालू श्यार कल की मार की वजह से अभी भी तड़प रहा है। कुछ देर बाद पंडित जी अपना वेश बदलकर कालू श्यार के पास आते हैं। अरे कालू श्यार, क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठे हो? पंडित जी की बात सुन कालू श्यार अपना दर्द छुपाते हुए बोलता है, अरे देख नहीं रहे, मैं इस पत्थर में बैठकर धूप सेक रहा हूँ।
मेरी दिव्य दृष्टि बताती है तुम्हारी किसी ने अच्छे से धुलाई की है। पंडित जी की बात सुन सियार चौंकते हुए बोलता है, महाराज आप तो सब जानते हैं। तुमने पंडित के घर चोरी की है, वो भी बच्चे का खाना चुराया है, तुम्हें पाप लगेगा। महाराज इसका कोई उपाय है तो बताइए। उपाय तो है, क्या तुम कर पाओगे? हाँ हाँ महाराज मैं बिल्कुल करूँगा, आप बताइए। इसके बाद पंडित जी कालू सियार को बहुत सारा सामान लेकर दूसरे दिन सामने वाले कुएं के पास आने को बोलते हैं। पंडित जी के बताए अनुसार सियार चला जाता है अपनी टूटी फूटी टांगों के साथ बाजार में। पंडित जी के बताए गए अनुसार कालू सियार सारा सामान लेकर कुएं के पास पहुंच जाता है और इंतजार करने लगता है पंडित जी के आने का। और काफी इंतजार करने के बाद पंडित जी आते हैं। पंडित जी आकर कालू सियार को बोलते हैं कि तुम्हें बांधकर इस कुएं पर लटकाना पड़ेगा, तभी पूजा आरंभ होगी। ठीक है महाराज, जैसा करना है वैसा करो आप। उसके बाद पंडित जी कालू सियार को रस्सी से बांध देते हैं। उसके बाद पंडित जी कालू सियार को कुएं पे लटका देते हैं और धीरे धीरे रस्सी को छोड़ते हैं, जिससे कालू सियार कुएं में डूब जाता है और कालू सियार को चोरी की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। और पंडित जी सारा सामान लेकर अपने घर चले जाते हैं।